सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक नाइन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक आउट्रो वीडियोस को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बना सकते हो, यानी कि जो वीडियो के एंड में जो वीडियो प्ले होता है एंड स्क्रीन का, जहां पे सब्सक्राइब और दो वीडियोस को शो किया जाता है, उस तरह का आप आउट्रो वीडियोस को कैसे एनिमेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आउट्रो वीडियोस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसके साइज़ को सिलेक्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, इसके साइज़ को 16:9 पे क्लिक करके और इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, फिर लेयर पे क्लिक करना है, एक बैकग्राउंड ऐड करना है और उसके टाइम को 7 सेकंड सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने बैकग्राउंड ऐड किया है उसका टाइम को 7 से 8 सेकंड तक ही रहने देना है। बैकग्राउंड के टाइम को 7 से 8 सेकंड ही रहने देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और आपको एक PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस PNG को आपको लेयर पे क्लिक करके ऐड करना है। तो इस PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद लेयर पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। आपने जो अभी PNG ऐड किया है उस पर क्लिक करके और इसके स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसको आपको ऑन कर देना है फुल स्क्रीन पे। उसके बाद जो अपने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ऐड किया उसके कलर को ग्रे कलर कर देना है। तो इसके बैकग्राउंड को कलर को आपको क्या करना है, ग्रे कर देना है। इस तरह से आपको बहुत ही प्रोफेशनल लुक आएगी। उसके बाद काइनमास्टर से आपको एक ओवरले को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फियरी शेप्स। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काइनमास्टर के जो स्टोर में जो भी ओवरले है, यहाँ पे आप देख सकते हो फियरी शेप्स, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओवरले को ऐड करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे राउंड शेप दिख रहा है उसके साइड में इसको फिट कर देना अच्छे से, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसको आपको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद से इसके साइज को आपको क्या करना है, बैकग्राउंड का जो साइज है 7 से 8 सेकंड, उसको भी साइज को 7 से 8 सेकंड तक कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक और ओवरले को ऐड करना होगा जिसका नाम है सिंपल फ्रेम्स। इसको भी आपको काइनमास्टर के ओवरले से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से इसको क्या करना है, जो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है इसको आपको ऐड करना है सिंपल फ्रेम्स के ओवरले में से। अब इसके साइज को छोटा करके और जो दोनों वीडियो है उसके नीचे आपको इसको फिट करना है। अब जो आपने ओवरले लगाया है उस पर क्लिक करना है और आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऊपर वाले ऑप्शन पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद से इसको इस फ्रेम को क्या करना है, दूसरे वीडियो के नीचे भी उस तरह से फिट कर देना है। तो दोनों जो ओवरलेज है उसको टाइम को क्या करना है, आपको वीडियो के ड्यूरेशन के साथ मिक्स कर देना है। यानी कि जो वीडियो का ड्यूरेशन है 7 से 8 सेकंड, उतना टाइम तक आपको इस दोनों फ्रेम्स के जितने भी फ्रेम्स है सारे फ्रेम्स को वीडियो के ड्यूरेशन के बराबर ही रखना है। तो जितने भी ओवरलेज है या फिर टेक्स्ट है उसको सारे को वीडियो के जो ड्यूरेशन है 7 से 8 सेकंड उसके बराबर ही रखना है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है और उसमें लिख देना है रैंडम वीडियो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको ए पे क्लिक करके इसके फॉन्ट डिजाइन को बदल लेना है। फॉन्ट डिजाइन को बदलने के लिए आपको काइनमास्टर से बहुत सारे फॉन्ट डिजाइन मिल जाएंगे, तो आप वहां से कोई भी पैक डाउनलोड करके लगा देना। या फिर इस पैक को डाउनलोड करना चाहते हो तो काइनमास्टर में इसका नाम फेकॉन है, FACON फेकॉन, इसको आपको डाउनलोड करके और इसको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फॉन्ट पैक डाउनलोड किए वहां पर शो करेगा। तो आप जिस भी फॉन्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर सेलेक्ट करके और ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉन्ट डिजाइन है स्टाइल है वो बदल जाएगा। तो आपने जो ओवरले को ऐड किया था रेक्टेंगल शेप में उसके अंदर ही फॉन्ट को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो फॉन्ट जो लिखा हुआ है उसको क्या करना है, फ्रेम के अंदर ही रखना है। जो ओवरले ऐड किया था आपने उसके अंदर ही आपको एडजस्ट करना है। फोन पे क्लिक करना है, जो अभी आपने ऐड किया था उसके पे क्लिक करके और इसके साइज को भी आपको 7 से 8 सेकंड वीडियो के ड्यूरेशन के साथ मैच कर देना है। उसके बाद फोन पे क्लिक करके आपको इसको कलर का चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके और इसके कलर को चेंज कर लेना है। तो उसके बाद आपका जो भी फ़ोन का कलर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर जो मैंने यूज किया है कलर्स को उस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे सेटिंग है कलर्स के, शैडो ऑफ ऑन ग्लो, ये सारे आप स्क्रीन पर फॉलो करके और यूज कर सकते हो। कलर चूज कर लेना। उसके बाद से आपको क्या करना है, फ़ोन पे क्लिक करके और इसके इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको स्लाइड डाउन पे क्लिक कर देना है। इन एनिमेशन पे क्या करना है, आपको स्लाइड डाउन को ही क्लिक करना है। इन एनिमेशन क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आउट एनिमेशन पे क्लिक करके और आपको स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ओके कर देना है। उसके बाद से जो आपने PNG ऐड किया है एक राउंड शेप और दो वीडियो का जो PNG है उसको ऐड किया है उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके और उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। उसके बाद जो राउंड शेप के साइड में आपने जो फायर वाला इफेक्ट लगाया है ओवरले को उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है।
उसके बाद जो फॉन्ट है रैंडम वीडियो इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, और इसका डुप्लीकेट बनाने के बाद वीडियो के दूसरे वीडियो के नीचे इसका जो फ्रेम है उसमें ले आकर फिट कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड का बना हुआ साइन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको इरेज कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है प्रीवियस वीडियोज, प्रीवियस वीडियो लिख देना है। उसके बाद से इसका जो फॉन्ट और कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, दूसरे वीडियो का जो फ्रेम है उसके नीचे सेट कर देना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको क्या करना है, दूसरे वीडियो के नीचे जो फ्रेम है वहाँ पर ले आके अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। पीएनजी है राउंड शेप और दो वीडियो के शेप में उस पर क्लिक करना है। उसके बाद से थ्री डॉट पर क्लिक करके और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। फिर जो राउंड शेप है उसके साइड में जो फायर वाला इफेक्ट लगा हुआ है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको भी आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। मतलब जितने भी पीछे पीएनजी के पीछे रह गए थे इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट्स को आगे कर लेना है ब्रिंग टू फ्रंट करके। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं रैंडम वीडियो प्रीवियस वीडियो उसके पीछे जो फ्रेम लगा हुआ है उस पर क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कलर वन कलर टू। आपको यहाँ पे कलर टू पे क्लिक करके और इसके कलर को यहाँ से आपको रेड कलर को चूज कर लेना है या फिर अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कलर को भी चूज कर लेना। उसके बाद से उसी फ्रेम पे क्लिक करना है और कलर वन पे क्लिक करके इसके कलर को ब्लैक चूज कर लेना है। इतना करने के बाद आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। अब जो दूसरे वीडियो के नीचे टेक्स्ट के पीछे जो फ्रेम है उस पर क्लिक करना है और इसके कलर को भी कलर वन टू पे क्लिक करके रेड कर लेना है और कलर वन पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर लेना है। तो अब हम दूसरे फ्रेम पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर कलर टू पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को रेड कर लेंगे, फिर कलर वन पे क्लिक करेंगे, फिर कलर वन पे क्लिक करने के बाद इसके कलर को ब्लैक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है रैंडम वीडियो प्रीवियस वीडियो ये इसका कलर मैच हो जा रहा है ब्लैक ब्लैक, तो इसको कलर को हम चेंज करेंगे। और इसके टेक्स्ट का जो कलर है उसको आपको क्या करना है, येलो चूज कर लेना है। दोनों के कलर को टेक्स्ट के कलर को येलो कलर चूज कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दोनों टेक्स्ट है रैंडम वीडियो प्रीवियस वीडियो इस पर क्लिक करना है और इसके कलर को क्या करना है, येलो कलर चूज कर लेना है दोनों में और ओके टिक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का हमारा जो आउटर वो दिखेगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट के पीछे जो फ्रेम लगा हुआ उस पर क्लिक करना है और इसके इन एनिमेशन पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड डाउन पे क्लिक कर देना है। अब ये एनिमेशन को क्या करना है, जो दूसरा फ्रेम है जो दूसरे वीडियो के नीचे जो फ्रेम है उस पर क्लिक करके और इसके एनिमेशन की भी इन एनिमेशन को स्लाइड डाउन कर देना है। मतलब कि जो दूसरा फोन का फ्रेम है उस पर भी यही एनिमेशन अलाउ है। यहाँ पे दूसरे फ्रेम को क्लिक करना है और जो एनिमेशन वाला लोगो बना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसके इन एनिमेशन को स्लाइड डाउन कर लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जो फॉन्ट का फ्रेम है उस पर फिर से क्लिक करना है और आउट एनिमेशन पे क्लिक करके आपको इसके आउट एनिमेशन को स्लाइड अप पे क्लिक कर देना है। फिर जो दूसरा फ्रेम है उस पर भी क्लिक करके और इसके आउट एनिमेशन को भी आपको स्लाइड अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड को ऐड करना होगा किसी भी कलर का, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक बैकग्राउंड पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। फिर इसको आपको कुछ इस तरह से रोटेट करके और स्क्रीन पर फिट कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और इसके कलर को अपने हिसाब से कोई भी कलर आपको जो भी कलर अच्छा लगे वहाँ से आप चूज कर लो। तो हम यहाँ से इस कलर को चूज करके और इसको रोटेट करके और इसके नीचे कुछ इस तरह से फिट कर देते हैं। तो स्क्रीन पर आपको इस लेयर को कुछ इस तरह से फिट कर लेना, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो में, और इसके ड्यूरेशन को वीडियो के ड्यूरेशन के साथ मैच कर देना है। फिर आपको उस लेयर पे क्लिक करना है जो आपने अभी ऐड किया था और फिर इसके इन एनिमेशन पे क्लिक करके और इसको स्लाइड लेफ्ट पे चूज कर लेना है। फिर आपको उसी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसके आउट एनिमेशन पे क्लिक करके आपको स्लाइड राइट कर देना है। स्लाइड राइट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके और एक बैकग्राउंड को फिर से ऐड करना है। बैकग्राउंड चूज करने के बाद उसको क्या करना है, ले आकर वीडियो के ऊपर सेट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से इसको आपको सेट कर लेना है और इसके कलर को आपको बदल के डार्क कलर कर लेना है, ब्लू कलर में कोई भी डार्क कलर चूज कर लेना है। तो हम यहाँ से ब्लू कलर को चूज कर लेते हैं। तो इस लेयर को आपने जिस तरह से वीडियो के ऊपर सेट किया है ठीक उसी तरह दूसरे वीडियो के ऊपर इसका डुप्लीकेट, तो इस ब्लू वाले जो लेयर है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इस डुप्लीकेट कॉपी को दूसरे वीडियो के ऊपर ले आकर सेट करेंगे। उसके बाद जो ये पीएनजी है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब उसके बाद जो ये आपको वीडियो दिख रहा है इसके पीछे जो लेयर दिख रहे हैं ये आपको लग रहा होगा कि वीडियो का बॉर्डर है, तो इसको क्या करना है, आपको वीडियो के बॉर्डर की तरह ही आपको इसको सेट करना है अच्छे से। मतलब कि जो वीडियो का बॉर्डर होता है उस तरह से आपको यहाँ पे इफेक्ट आने वाला है, तो इसको अच्छे से वीडियो के बॉर्डर की तरह ही सेट कर लेना है और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट कर लेना है क्रॉप करके। इसको अच्छे से सेट करने के बाद आपको इसको कलर पे चूज करना है और यहाँ पे इसके कलर को ब्लैक चूज कर लेना है। अब ठीक दूसरे वीडियो के बॉर्डर को अच्छे से सेट करके इसके कलर पे चूज करके इसके कलर को भी ब्लैक कर देना है।
इतना सब करने के बाद जो आपका आउटर है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी आपने लेयर और बैकग्राउंड को जितने भी ऐड किए हुए हैं उसका जो ड्यूरेशन है वीडियो के ड्यूरेशन के साथ मैच कर देना है। आपको इसको अच्छे से याद करके इसके वीडियो के ड्यूरेशन के साथ आपको इसके टाइमिंग को मैच करना होगा, नहीं तो आपको ये बीच में इफेक्ट हट जाएगा तो आपका वीडियो जो आउट्रो है वो खराब हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से इसको सारे वीडियो ड्यूरेशन के साथ मैच कर देना है जितने भी लेयर आपने ऐड किए हैं। उसके बाद फिर से आपको एक लेयर पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर क्लिक करना है, फिर एक बैकग्राउंड को ऐड करना है, इसको साइज को छोटा ही रखने देना है और यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसको कलर को रेड चूज कर लेना है। फिर इसको आपको कलर को रेड करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोपिंग पे क्लिक करना है और मास्क पे जो लिखा हुआ है इसको आपको ऑन कर देना है और शेप पे क्लिक करके राउंड शेप को आपको क्लिक कर देना है। इस पर मास्क पे क्लिक करके आपको इसको राउंड शेप को अच्छे से मैच कर लेना है, यहाँ की जो आपको बीच में लोगो है उसको उस तरह के आपको राउंड को मैच करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीच में आपका लोगो लगा है उस तरह का राउंड शेप करना है, तो आपको क्रोप पे क्लिक करके और उस तरह का राउंड शेप को डिजाइन को एकदम फिट कर लेना है, साइज को इसके साइज को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसका जो बीच में आपका जो सब्सक्राइब बटन है उसको ऊपर ले आके इसको फिट कर देना है। फिट करने के बाद जो PNG है वीडियो और सब्सक्राइब बटन का उस पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सब्सक्राइब वाला आइकन है बीच में राउंड शेप का उसके पीछे जो आपने लेयर लगाया अभी वो सब्सक्राइब का बॉर्डर दिख रहा होगा, तो आपको इस तरह इसका भी कुछ बॉर्डर की तरह ही आपको इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा लुक आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉन्ग वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ले लेना है जो कि आउट्रो में रहता है। लेने के बाद आपका जो आउट्रो होगा वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हो कि आपका आउट्रो कैसा दिख रहा है तो अब मैंने वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को लगा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको आउट्रो कैसा दिख रहा है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर देना ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप चाहें तो ये जो आसमानी कलर का लेयर लगा हुआ है इस पर आप सब्सक्राइब नाउ लिख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आपका आउट्रो ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। I've been all around the globe trying to protect your soul.